गर्मी का रेड अलर्ट। जी हाँ, गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है और गर्मी बढ़ने की वजह से तापमान भी लगातार बढ़ता जा रहा है और जिसकी वजह से आम जनता परेशान है। उत्तर भारत की अगर बात की जाए तो भारी गर्मी उत्तर भारत में पड़ रही है जिसकी वजह से लोगों का जीना मुश्किल होता जा रहा है। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि तापमान लगातार बढ़ने से लोगों का दोपहर के वक्त घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो चुका है। और साथ ही आपको ये भी बता दें, अभी गर्मी से राहत नहीं मिलेगी, अभी कुछ वक्त और इंतजार करना होगा इस गर्मी से निजात पाने के लिए। चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल और दिल्ली की अगर बात की जाए, गर्मी से कहर मचा हुआ है और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर गन्ने का जूस पीने के लिए युवतियां पहुंची है और भरी गर्मी में जो है दोपहर के वक्त बाहर निकलना लोगों का मुश्किल हो गया है। और थोड़ा सा जो है इस गर्मी को शांत करने के लिए जूस पी रहे हैं लोग, छाते लेकर चल रहे हैं और अपने पूरे मुंह को रैप करके चल रहे हैं ताकि किसी प्रकार की जो दिक्कत हो रही है और टैनिंग की समस्या इस दौरान हो जाती है। लोगों का जीना मुश्किल हो गया है उत्तर भारत की अगर बात की जाए, लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है। और इसी के साथ लखनऊ से आकाश यादव लाइव जुड़ गए हैं हमारे साथ, उनसे जानकारी लेते हैं। लखनऊ की अगर बात की जाए, आकाश कैसा मौसम है इस वक्त वहां पर? जाहिर सी बात है गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही होगी। बिल्कुल सिलम, बात की जाए जिस प्रकार से गर्मी की बात की जाए तो जिस मई का महीना चल रहा है, जून, आज जून लग गया है, मई के बाद जून लग गया, तो स्वाभाविक सी बात है गर्मी का पारा लगातार बढ़ता जा रहा है। वो भी खासतौर से लखनऊ की बात की जाए, वर्तमान समय पे इस समय 40 डिग्री का टेम्परेचर यहाँ पे है। आम आदमी बहुत ही गर्मी से परेशान है, लोगों को अगर घर से निकलना पड़ रहा है तो कहीं वो अपने कहे जाए तो पानी की बोतल साथ लेके निकल रहा है या फिर गर्मी से बचने के लिए टॉवल साथ लेके गुजर रहा है, निकल रहा है। तो बड़ी चीज़ें ऐसी की चीज़ें गर्मी से बचने के लगातार आदमी यहाँ प्रयास कर रहा है, लेकिन गर्मी का पारा लगातार लखनऊ की बात की जाए, पूरे यूपी की बात की जाए तो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। सीलम, जिस प्रकार से बात की जाए पिछले कई सालों का, वो भी रिकॉर्ड अगर की जाए तो इस बार का रिकॉर्ड जून में जिस प्रकार से गर्मी का टेम्परेचर पहुंचा है तो रिकॉर्ड छूटते हुए दिखाई पड़ रहा है। सीलम, जिस आम जैसे देख सकती है इस समय यहाँ पे पब्लिक है साथ में खड़ी, जिसके भी पास देखिए उस पब्लिक के साथ गले में अंगोछा है, अंगोछा का मतलब समझ लीजिए उनको गर्मी का कितना साफ तौर से एहसास होता है, उस अंगोछे से अपने पसीने को पोंछते हैं। तो साफ तौर से देखा जाए लखनऊ की बात की जाए, आप गर्मी की बात की जाए तो एक पारा जो है वो अपने आप में बढ़ता जा रहा है और आने वाले समय में ये बढ़ता रहेगा। फिलहाल मौसम विभाग की माने तो अगले दो दिनों में यूपी में हवाएं चल रही, यूपी की हवाएं साथ साथ आंधी भी आएगी, जो कि आंधी के बाद एक मौसम परिवर्तन होगा, बूंदाबांदी होने की यहां पे आशा भी दिखाई जा रही है। मौसम विभाग के द्वारा अगले दो घंटे दिन का समय दिया गया है कि मौसम में फिलहाल लखनऊ में परिवर्तन होगा। सीलम, बिल्कुल लखनऊ की अपडेट हमने ली, अब चलते हैं कुल्लू, हिमाचल की वादियों में चलते हैं। कुल्लू से मनीष ठाकुर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मनीष, कुल्लू में आमतौर पर गर्मी नहीं देखी जाती है इतनी, लेकिन इस वक्त तापमान इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है हर जगह पर। कुल्लू की अगर अपडेट लेना चाहे, कैसा मौसम है अभी कुल्लू में? शिनम, देखिए कुल्लू जिला की अगर हम बात करेंगे तो इस वक्त का जो तापमान है वो 30 डिग्री का तो है और पिछले लगातार 3-4 दिनों से जो 30-31 डिग्री तापमान लगातार यहाँ पे हो रहा है। हालांकि कुल्लू जिला और मनाली जो आसपास क्षेत्र है यहाँ पे इतना तापमान नहीं होता है, लेकिन इस बार जो गर्मी है वो काफी अधिक बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं जो लोगों को भी इससे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल मनीष, कुल्लू में इतनी ज्यादा गर्मी नहीं देखी जाती है और जिस तरीके से आपने 30 से 32 तापमान बताया, इतना भी नहीं होता है। हालांकि इस बार ज्यादा हो रही है गर्मी, तो यहाँ पर इतना तापमान हो चुका है। लखनऊ की अगर बात की जाए, लखनऊ से आकाश लगातार जुड़े हुए हैं। लखनऊ में, यूपी में काफी गर्मी पड़ती है, लखनऊ में आप अभी इस वक्त मौजूद है, आपके साथ लोग भी वहां पर मौजूद है, उनसे बात कीजिए और पूछिए किस तरीके से वो गर्मी से निजात पाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल सिलम, मैं बात करने की कोशिश करूंगा, जिस प्रकार से गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है तो किस प्रकार से लोग इससे राहत पाने की कोशिश कर रहे हैं? अरे सर, इसमें बस जितना नहाओ उतना कम है सर, यहाँ पे ठंडा पानी है ही नहीं, पीने के लिए पाउच खरीदना पड़ता है, 3 रुपए का एक पाउच मिलता है, या चक्कर मारो तय चक्कर पानी पियो। गर्मी से बचने के लिए क्या पानी की दिक्कत है, बाकी और क्या? अंगौछा है, ये पेड़ है, यहाँ पे तो राहत है थोड़ी सी, थोड़ी राहत मिलती है बस दिन भर हम लोग। आप गर्मी से बचने के लिए सर, मौसम का पारा लगातार पड़ता जा रहा है, उस प्रकार से आप कैसे उससे राहत पाने के लिए? राहत यहाँ कुछ मिलती नहीं, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है वैसे भी।
कुछ सिलम बात करें, जिस प्रकार से लगातार लोगों की गर्मी की बात की जाए तो हर आदमी ये कह रहा है गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ रही, राहत की बात की जाए राहत के कोई आश्रय दिखाई नहीं पड़ रहा है। लोग कह रहे हैं पानी की दिक्कत भी लगातार लखनऊ में बढ़ती जा रही है, लोगों को पानी मिलना भी इसमें दुर्भर हो रहा है, लोगों पानी खरीदने के मजबूर है और खरीदने में भी पानी उनको नहीं मिल रहा है। लगातार जिस प्रकार से गर्मी बढ़ रही है सिलम, उस प्रकार से आम आदमी भी जो वो भी परेशान हो रहा है। लखनऊ में लगातार पारा बढ़ता जा रहा है, लखनऊ में लगातार पारा बढ़ता जा रहा है। अब आपको गुरुग्राम लेकर चलते हैं, गुरुग्राम से सुनील यादव ब्यूरो चीफ लगातार लाइव जुड़े हुए हैं। अगर गुरुग्राम की बात की जाए सुनील, कैसा मौसम है वहां पर? जाहिर सी बात है गर्मी ज्यादा पड़ रही होगी। तो लगता है गुरुग्राम संपर्क नहीं हो पा रहा है। मनीष ठाकुर कुल्लू से लगातार लाइव जुड़े हुए हैं। मनीष, कुल्लू में जिस तरीके से आपने बताया कि 30 से 32 डिग्री जो है तापमान हो चुका है और आमतौर पर वहां पर यह देखा जाता है कि पंखे भी लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं, गर्मी न के बराबर वहां पर होती है। फिलहाल की अगर बात की जाए, क्या पंखे चलाना शुरू हो चुके हैं कुल्लू के लोग? बिल्कुल शीनम, जिस तरह गर्मी यहाँ पे शुरू हो चुकी है तो जो पंखे है एसी है वो लोगों ने लगाना शुरू कर दिया है। जो शीतल पे है उनका जो प्रयोग है वो लोग कर रहे हैं, क्योंकि जो रोजमर्रा के काम में जैसे जो दिन में लोगों ने काम करना होता है, खेतों को जाना होता है, तो उसमें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और शाम की अगर बात करें तो शाम होते तो हालांकि रात की बात अगर करें तो रात में ठंड यहाँ पे हो जाती है, पर अगर दिन की अगर हम बात करें तो दिन में जो है पंखे लगाना और एसी में बैठना अब लोगों को जरूरी हो चुका है। जी मनीष, साथ ही बागवानों की अगर बात कर ली जाए, किसानों की अगर बात कर ली जाए, ये जो गर्मी लगातार पड़ रही है कैसी है ये फसलों के लिए? शिनम देखिए, अगर बागवानों और किसानों की अगर बात करें तो जिस तरह गर्मी बढ़ रही है तो जो लोगों को खेत में जाना होता है काम करने के लिए वो कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उसके मुश्किल रहती है, क्योंकि इतनी तेज धूप में जो काम करना है वो काफी परेशानियों का सामना रहता है। फसलों की अगर बात करें तो जो नकदी फसलें हैं उनके लिए अब ठीक रहेगा, क्योंकि जो सेब की जो उसके लिए ठंड की जो चिलिंग आवर्स होते थे वो तो पूरे हो चुके हैं, जो सेटिंग कर चुके हैं और जो फल है वो पकने के लिए तैयार हो जाएंगे जल्दी ही। जी जी मनीष, अब हम चलेंगे चंडीगढ़। चंडीगढ़ से पूजा वर्मा भी हमारे साथ लगातार लाइव जुड़ी हुई है और चंडीगढ़ में लगातार तापमान जो है बढ़ता जा रहा है। पूजा, आपके पास हम आना चाहेंगे, कैसी है चंडीगढ़ में गर्मी और किस तरीके से लोग गर्मी से निजात पाने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल शीना, बताना चाहूंगी कि पिछले 4-5 दिनों से अगर मौसम की बात करें तो लगातार जो है टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है और 45 डिग्री के आसपास तापमान बताया जा रहा है इस वक्त, जब करीब 2:30 बज चुके हैं और तापमान अभी भी जो है 45 डिग्री के आसपास ही है। और हवाओं की अगर बात करें तो गर्म हवाएं चल रही है, जिसकी वजह से आम जो है लोग, जो जनता है, उन्हें जो है घर से बाहर निकलने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है और अगर यदि कोई ज़रूरी काम है तो तभी वो बाहर निकल रहे हैं। लोगों को खासतौर पर चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो है एक हेल्थ बुलेटिन जारी करके उन्हें हिदायतें दी गई थी कि कौन कौन से प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं, कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जो वो ले सकते हैं अपने रोज़ाना ज़िंदगी में, खासकर जो लोग सुबह ऑफिस जाते हैं या फिर दोपहर में जो लोग घर से बाहर निकलते हैं। तो खासतौर पर जो है चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने भी इसका ध्यान रखा है। वहीं साथ ही साथ हेल्थ बुलेटिन जो है PGI की तरफ से भी जारी किए जा रहे हैं कि कौन सी चीज़ें अपनी डाइट में इंक्लूड करिए, जिसमें तरल पदार्थ, चाहे वो कोई भी अगर बात करें नींबू पानी हो, लस्सी हो, इस तरह की चीज़ें जो हैं अपना इनटेक करने की बात जो है PGI की तरफ से भी कह गई है। इसके अलावा पानी का जितना इस्तेमाल कर सकते हैं पीने के लिए वो कीजिए, ताकि आपकी बॉडी जो है डिहाइड्रेट ना करे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और खासतौर पर अगर बात करें तो हवाएं भी गर्म है, तो इस वजह से जो है प्रिकॉशनरी मेजर लेने की बात की गई है। एक नज़ारा आपको दिखाना चाहूँगी चंडीगढ़ के सुखना लेक का, जहाँ पर जो है पर्यटक काफ़ी ज़्यादा संख्या में पहुँचते हैं, लेकिन इस वक्त जो है यहाँ पे पर्यटक बिल्कुल भी जो है बहुत ही कम संख्या में नजर आ रहे हैं और यहाँ पर जो है पर्यटक नहीं पहुंचे हैं क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है। आमतौर पर ये देखा जाता है कि वहां पर काफी सारे लोग आते हैं घूमने के लिए, लेकिन गर्मी इतनी ज्यादा है लोग वहां पर नहीं पहुंच रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पूजा वर्मा और तमाम हमारे जो संवाददाता जुड़े थे हमारे साथ, गर्मी की अपडेट दे रहे थे।